हजारों टन का ये मालवाहक जहाज समुद्र में यूं ही खड़ा नहीं है, बल्कि समंदर में उठी तूफानी लहरें इसे बहाकर कहीं और ले आई। तूफानी लहरों के थपेड़ों से भारी भरकम जहाज तैरता हुआ इतनी दूर आ गया कि इसमें बैठे लोग भी समुद्र में फंस गए और मदद की गुहार लगाने लगे। जैसे ही जहाज में सवार लोगों के फंसे होने की जानकारी मिली, फौरन बचाव दल के लोग हेलीकॉप्टर से मौके पर पहुंचे। हवा में उड़ते हुए हेलीकॉप्टर समुद्र में फंसे जहाज में उतरा। बचाव दल ने पहले देखा कि आखिर लोगों को कैसे निकाला जाए। उसके बाद धीरे धीरे एक एक सदस्य का हाथ पकड़कर हेलीकॉप्टर में बैठाया गया। चूंकि जहाज में चालक दल के 14 सदस्य सवार थे, लिहाजा सभी को सुरक्षित जगह ले जाया गया। तब जाकर उन लोगों ने राहत की सांस ली। हेलीकॉप्टर के जरिए सभी सदस्यों को जहाज से निकालकर अलीबाग समुद्र तट ले जाया गया है। ये घटना महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले की है। बताया जा रहा है कि अलीबाग तट के पास गुरुवार को एक इस्पात कंपनी के छोटे मालवाहक जहाज ने तूफान के कारण अपना नियंत्रण ही खो दिया था। जहाज के अंदर इतना पानी भर गया था कि इंजन ही खराब हो गया और पानी के तेज बहाव में बहकर जहाज अलीबाग के पास पहुंच गया। फिर कोस्ट गार्ड के हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। बताया जा रहा है कि मालवाहक जहाज कच्चे माल के साथ 25 जुलाई को धर्मत बंदरगाह से जयगढ़ बंदरगाह के लिए रवाना हुआ। फिलहाल जहाज में सवार चालक दल के सभी 14 सदस्य सुरक्षित हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।